हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम लोग जो है मॉडल पेपर टू इसको पढ़ेंगे। मॉडल पेपर वन जो है ये हमारा समाप्त हो गया था, इसमें के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे हम लोग। आज जो है मॉडल पेपर टू को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। लिखा है बच्चों ऐड देम, मतलब उन्हें जोड़िए। इसमें आप देखेंगे बच्चों तो रुपीज एंड पैसे का एक्शन है, जो कि ये मॉडल पेपर में आपको चैप्टर नंबर 9 से लेकर के चैप्टर नंबर 16 तक का रिवीजन देखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको है, ऐड देम। इस तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है, एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पर रुपए का टेबल है, यहाँ पर पैसे का टेबल है, ठीक है। और रुपए वाले में मान लीजिए यहाँ पर कोई है 38 रुपीज है, ठीक। यहाँ डेसिमल लगा हुआ है पॉइंट, और यहाँ पर मान लीजिए आपका पैसे। उसके बाद यहाँ पर 24 रुपीज है और यहाँ पर आपका पैसे है। इसको बच्चों आपको ऐड करना है। यहाँ पर देखिए इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले आप पैसे से स्टार्ट करेंगे ऐड करना, ठीक है। पैसे में देखिए 2 डिजिट है, तो पहले यहाँ से 1 डिजिट 1 से आप स्टार्ट करेंगे 5, और यहाँ देखेंगे 6। 5 डिजिट ऐड करेंगे तो क्या आएगा उसको 11। 11 के लिए आप यहाँ क्या लिखेंगे 1, और 1 आपका क्या हो जाएगा कैरी मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 के प्लेस को आप देखेंगे 2 प्लस 3 क्या होता है 5। 5 में कैरी आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 6। कैरी समाप्त हो जाती है यहाँ। उसके बाद पॉइंट एकदम बिल्कुल इसी के नीचे लगाएंगे आप। अब रुपए वाले में ऐड करना स्टार्ट करेंगे, 8 प्लस 4 12 12 के लिए क्या लिखेंगे 2, और 1 आपका ये कैरी हो जाएगा। फिर अगले में देखेंगे अगले डिजिट को ऐड करेंगे 3 प्लस 2 5, 5 में 1 कैरी आपका ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 6। इस तरीके से बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर ये रुपीज हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा पैसे, मतलब 62 रुपीज एंड 61 पैसे। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर ए में ऐड देम लिखा है, ऐसी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल सकता है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा, रुपए पैसे और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 9 है प्लस यहाँ 12 है और यहाँ पर 16 है। इसको ऐड करेंगे आप, यहाँ देखिए 9 प्लस 6 16 16 के लिए 5 के लिए 1 कैंसिल है आपको। उसके बाद 6 प्लस 5 11 11 2 1 ऐड करेंगे 12 12 के लिए 2 के लिए 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कैरी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको टोटल अलग ऐड करिए और उसके बाद 100 भी आदि करता है तो इसको रुपीज में चेंज करके पैसे या रुपीज में चेंज करके रुपीज वाले कॉलम में इसको ऐड करिए और जो बचेगा उसको पैसे में लिखेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसमें जो है आप आदि को जो कैरी लगता है उसको आदि ट्रांसफर करके चले जाइए यहाँ तक रुपीज का, ठीक है। तो यहाँ 2 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, और उसके बाद 5 से 7
25 पैसे ऐसे आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों तरीके से आप इसको करेंगे। और एक क्वेश्चन और देखिए, थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे आप। यहाँ पर मान लीजिए रूटीन में आपको दे दिया 9 और पैसे में आपको कुछ नहीं दिया, और सेकेंड वाले में पैसे में आपको दे दिया मान लीजिए 55 पैसे और उसके बाद रूटीन में कुछ नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप 0 अपनी स्किप लेंगे और यहाँ पर 0 आप मुझे बढ़ा लेंगे और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है? 0 + 5 यहाँ रहेगा 5, फिर 0 + 5 5 आ जाएगा, फिर डेसिमल समझिए लगाएंगे और 9 + 0 9 इस तरीके से 9 rupees and 55 paise ये आपका आंसर है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है जो हमारा सब्ट्रैक्ट देन। मतलब उन्हें बताइए। एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल लिखिए, ये भी आपका रुपये और पैसे का है। सेम इसी तरीके से मान लीजिए 84 है और यहाँ पर 84 रुपीज और यहाँ पर 57 पैसे और इसमें से आपको 24 रुपीज और आपका 56 पैसे ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप पैसे वाले कॉलम से क्या करेंगे? सेम वैसे जैसे आप एक्स से 7 - 3 क्या आ जाएगा आपका 1, 5 - 3 2 और यहाँ पर आप डेसिमल लगा देंगे और 4 + 4 8 और 8 + 2 10 तो ये आ गया 108 एंड 35 क्या आ गया 21। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बी का लगाएंगे सब्ट्रैक्ट देन वाला, ठीक है? और सेकेंड टाइप क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया 57 rupees 25 paise माइनस 15 rupees और यहाँ पर 35। आप क्या करेंगे? 5 - 5 ये आराम से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 2 में से 3 नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा तो उसके आप काम कर सकते हैं, जैसे जो है कैरी को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कीजिए उसी तरीके से 12 को भी यहाँ से यहाँ आप दे सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है? उधार तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 - 9 और पॉइंट लगा देंगे यहाँ और यहाँ कितने बचा है 6 - 5 1 और यहाँ 5 - 1 8 4, ठीक है? एक तरीके से आपका रुपीज एंड एक पैसे आपका आंसर है। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन आपको दिया है, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी में। आइए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन में एग्जाम्पल क्वेश्चन बताया जा रहा है, मॉडल पेपर 2 में से क्वेश्चन नहीं है उसको आपको अपने से सॉल्व करना होगा, केवल आपको तरीका बताया जा रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, विनू बॉट 1 pen, 1 pencil and 1 eraser फॉर 10 rupees और 6.75 rupees एंड 4.50 rupees रिस्पेक्टिवली। क्रमशः जो है एक पेन, एक पेंसिल और एक इरेजर खरीदती है। 10 रुपये का पेन हो गया और 6.75 रुपये का आपका पेंसिल हो गया और 4.50 रुपये का एक इरेजर हो गया।
ये दुकान की सृष्टि है, उसके बाद लिखा है उसका हाउ मच मनी डिड ही पे टू द शॉपकीपर, दुकानदार को कितना रुपया इन वस्तुओं को खरीदने के लिए दिया। तो आप उसकी क्या करेंगे, ऐड करेंगे बच्चों, इस तरीके से लिखेंगे रुपीज और यहाँ पैसे, ए रुपीज ए क्या क्या खरीदा है, टेन रुपीज का हो गया। उसके बाद सिक्स रुपीज एंड 75 पैसे, ये आपका हो गया 1 पेन 1 पेन 3 5। उसके बाद है जो आपका 40 और 50 पैसे, ए 1 लीटर। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है, ऐड कर देना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 10 रुपीज है केवल, पैसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी आप पहले वाला एडिशन जो बताया गया था, एडिशन हो चाहे सबट्रैक्शन हो, जहाँ पर खाली दिखेगा वहाँ पर आप ये दोनों डिजिट के स्थान पर स्टेज पर आप क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे, तो आपको आसानी हो जाएगा और उसको आप आसानी से उसको ऐड कर सकते हैं। 0 + 5 5 5 0 ऐड करेंगे क्या आएगा तो 5। फिर उसके बाद 7 + 5 12 12 1 कैरी हो जाएगा और 0 6 6 + 4 10 10 + 1 कैरी आपका आएगा 11। 11 के लिए हम करेंगे 1 1 कैरी हो जाएगा और 1 1 2। इस तरीके से 21 की और उसके बाद आपका 8 25 पैसे, ये टोटल ये करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, और इक्वल पार्ट में इसको आप सिलेक्ट करेंगे 5, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा आपके पास, यहाँ 9 और यहाँ पर। ठीक है, और इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगर यहाँ पर आपका नंबर है 1, यहाँ 2, यहाँ 3 है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8 और 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2। यहाँ देखिए आपका जैसे इस तरीके से जो दाग में है जो आपका सेवन से थोड़ा सा आगे और लाल है बिल्कुल इस पर है, तो इस तरीके से आपका बना हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्वार्टर पास, इसका नियम कितना होगा, कितना बजा है इसमें, तो क्या लिखेंगे, क्वार्टर पास सेवन, क्वार्टर पास
केवल लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको हम क्या बोलते हैं सवा सात, हिंदी में सवा सात या सात बजकर पंद्रह मिनट को क्या बोला जाता है क्वार्टर पास सेवन, ठीक है। और इसके बाद यदि मान लीजिए ये वाला है यहाँ पर हो गया तब क्या लिखेंगे टेन पास सेवन, क्वार्टर का स्थान पर क्या जाएगा बच्चों टेन, क्योंकि ये देखिए 5 मिनट का होता है, 1 डिजिट के बीच में जो दूरी होती है दो नंबर के बीच में, इसे 5 + 5 ये क्या आएगा 10, 10 पास सेवन, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पर आगे ये लाल लहंगा का 6 पर हो गया और 7 है बिल्कुल 7 और 8 के बीच में हो गया, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे हाफ पास, अभी क्वार्टर था अब यहाँ पर हाफ हो जाएगा हाफ पास सेवन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लिखते रहिए, अब यहाँ पर देखिए अगर ये वाला हैंड जो है यहाँ से हट करके 9 पर हो गया बिल्कुल 9 पर, और ये 60 है आपका 8 तो बिल्कुल नियर हो गया 5 में, तो इसको क्या लिखेंगे क्वार्टर 2, ये क्या हो जाएगा क्वार्टर 2 हो जाएगा, 5 कट जाएगा जो यहाँ पर क्वार्टर 2 हो जाएगा, ये क्वार्टर क्वार्टर टू सेवन नहीं होगा, एक क्वार्टर टू 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा क्वार्टर टू 8, क्योंकि 8 पौने 8 बज रहा है, तो ये हो जाएगा क्वार्टर टू 8, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे क्वार्टर टू 8। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो स्टार साइन है ये A1 और 8 के बिटवीन में है और 8 के निर्देश है, ठीक है पास है, और लाल हैंड जो है 9 पर है, तो ये 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, इसका मतलब ये क्वार्टर टू 8 इसको लिखेंगे, ठीक है। और इसी को जो है पौने 8 कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, इसको जानेंगे आप। और उसके बाद यहाँ देखिए आप अगर साठ है आपका मान लीजिए 9 से थोड़ा सा आगे है और लाल है आपका 5 है, तो यहाँ क्या रहेगा यहाँ देखिए यहाँ से आप काम करेंगे 5 + 5 + 5 + 5 + 5 यहाँ 30 होता है, 30 के बाद 35 40 और यहाँ पर 5 लाइन रहेगा आपको देखना है, तो यहाँ पर 50 25 हो जाएगा, तो 9 55 पास 25 पास 9, ठीक है, मतलब 9:25 ये हुए हैं घड़ी में, ठीक है 9:25। तो इस तरीके से आपको बता दिया गया क्वार्टर पास, क्वार्टर टू, हाफ पास, और उसके बाद जैसे 10 पास, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि आपको क्वेश्चन नंबर डी में आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर डी में ये आपको क्लास बना हुआ है उसमें हेड बने हुए हैं, आपको केवल नीचे जो बात बना है उसमें उसका टाइम देख करके शो करना है, इस तरीके से लिखना है। जो ये क्वेश्चन नंबर डी ये जो मॉडल पेपर 2 में है पेज नंबर 126 पर, इसको डी तक आप कंप्लीट करेंगे बच्चों, उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय जो एंड टेक केयर।